हाय गाइस, आज मैंने एक मूवी देखी दोपहर को नेटफ्लिक्स पे। थार आज ही रिलीज हुआ है। तो मूवी में जो स्टार कास्ट है, अनिल कपूर जी हैं, हर्षवर्धन कपूर जो उनके बेटे हैं, फातिमा सना शेख, सतीश कौशिक जी, और भी साइड कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। मूवी देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों देखा मूवी। में ना कोई स्टोरी है, ना कोई एक्शन है, ना कोई सिनेमाटोग्राफी कोई बढ़िया है कुछ, ना कुछ लाइक देखने लायक कुछ स्टोरी सॉलिड ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। स्टोरी लिया गया है 80s की, और 80s में वो भी राजस्थान के तरफ, उस तरफ की स्टोरी है। अब उस स्टोरी में देखा जाए तो कोई बड़ा कोई वाव स्टोरी कुछ नहीं है उसमें। सिंपल सा स्टोरी है, मर्डर रिवेंज, और रिवेंज लेने की स्टोरी बैकड्रॉप पे लिया गया है, जो हर्षवर्धन कपूर के वाइफ को मार देते हैं चार लोग, उन्हीं को फिर हर्षवर्धन कपूर रिवेंज लेता है। बट थिंग इज, इस मूवी में एक तो अनिल कपूर जी क्यों है लीड रोल प्ले किया मुझे नहीं मालूम, दूसरा सेकंड हर्षवर्धन कपूर जी वो क्यों है वो भी नहीं मालूम। पूरी मूवी में उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वर्ड्स, उन्होंने डायलॉग, नॉर्मल डायलॉग बाजी भी नहीं है, जो कि नॉर्मल से वर्ड्स हैं, जो कि 5 या 6 बार सिर्फ बोला होगा, बाकी सब साइलेंस, वेरी साइलेंस। सिर्फ मारता है, टॉर्चर करता है, दैट्स इट। और अनिल कपूर जी तो गालियों पे गाली, गालियों पे गाली, गालियों पे गाली। इतनी सारी गालियाँ मूवी में हैं कि यार गाली को भी शर्म आ जाएगा गाली सुन के। मतलब गाली के आगे गाली, गाली के पीछे गाली, इट्स नॉट डन एक्चुअली। इतना सारा गाली मूवी में ज़रूरत ही नहीं है। सीक्वेंस के हिसाब से कोई गाली दो तो ठीक है, लगता है कि ठीक है यार इम्पैक्टफुल है, बट नॉर्मली हर वर्ड पे गाली, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती से गालियों का डाला गया है। और ऊपर से जितनी भी कैरेक्टर्स प्ले किए वो भी गालियाँ बक रही हैं, इवन दो मेल्स फीमेल्स जो भी बातें कर रहे हैं आपस में गालियाँ बक रही हैं। मतलब कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं स्टोरी में कि हाँ एक परफेक्ट स्टोरी है, एक विलेज बैकड्रॉप की स्टोरी है, रिवेंज स्टोरी है, हाई ऑक्टेन सीन्स है, कुछ भी नहीं। और इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं वो सब कैरेक्टर्स के छोटे 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 कैरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत ही छोटा छोटा रोल्स है, इतना छोटा रोल्स कि हर आई थिंक हार्डली 4 मिनट 5 मिनट का एक एक का कैरेक्टर होगा शायद। और अनिल कपूर जी इतने बड़े कलाकार हैं, मैंने उनकी सारी मूवियाँ देखी है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जितनी मूवी आई कुछ भी मिस नहीं किया मैंने, एंड आई लाइक हिम अलॉट। और अभी जितना उसका उनका उम्र है 60s+ होने के बावजूद भी इतना यंग और फ्रेश लग रहे हैं कि किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। बट ऐसी मूवीज़ तो चूज़ मत करो जो कि लोगों को पसंद ही ना आए, कुछ बोल भी नहीं सके कि यार ठीक है चलो मैंने एक अच्छी मूवी देखी है, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। और वो भी अनिल कपूर जी इतने टैलेंटेड हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे मूवी क्यों चूज़ किया नहीं मालूम। और दूसरा, हर्षवर्धन कपूर इज़ ए यंग टैलेंटेड गाय और अनिल कपूर का बेटा है। एक्चुअली स्टोरी वाइस वर्सा होना चाहिए था, अनिल कपूर का रोल हर्षवर्धन कपूर को मिलना चाहिए और हर्षवर्धन कपूर के रोल अनिल कपूर जी करना चाहिए था, तब जाके जो डायलॉग बाजी वगैरह होता है मूवी में, जितनी भी गालियाँ वाला होती है, तो वो सब एटलीस्ट सूट कर सके स्टोरी के लिए। बट ऐसा देखने लायक कुछ भी नहीं है स्टोरी में। मैंने आज नेटफ्लिक्स में देखा वो मूवी, बट डेजर्ट, छोटे मोटे खंडर, बस यही है। क्यों बनाया है मूवी? नथिंग टू से।